देखिए हम नायरा के घर पे हैं, मृतक नायरा के घर पे, और नायरा का दिखाते हैं, पहले आपको घर दिखाते हैं, देख लीजिए ये घर है। सुबह में भी बात की थी, शाम में भी बात हुआ है, रात में भी बात हुआ था 8 बजे। मेरी बेटी एक बैग ऐसे कैसे हो गई, तो नहीं सीरियस पूरा ज्यादा है, आप जितना हाली आने का कष्ट करिए, नहीं है तो हम भाड़ा देने के लिए भी तैयार हैं। हमने रात में 12 बजे चले गए थे। 12 बजे चले गए जी, हमने गए थे, ये गई थी। किस स्थिति में मिला नायरा? मेरी नायरा को रात में मिलने दिया ही नहीं, नहीं मिलने दिया, नहीं मिलने दिया, बोला कि बेटी का शरीर पूरा दम काट बना हुआ है, शरीर पे हाथ ऐसे धरा ही लेटी हुई है, पैर उर में पूरा ब्लड वगैरह लगा हुआ है, और कुछ कह नहीं सकते। मेरे बच्चा के बोलने लायक है ही नहीं कि हम बोल के भी हम कुछ कह सकते हैं। लड़का के लिए आवाज़ उठाई तो बोला कि चमार जाति से हो, और चमार का यहाँ मुराद नहीं चलता है, हम लोग बढ़िया बढ़िया के तो बूझते नहीं, आ तुम कौन सा गली में? कौन बोला? ये प्रिंसिपल बोला, हमसे ही बोला ये बात, बुला कर बताया। तो मेरी बेटी अप्लीकेशन लिख कर गई, मम्मी थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा हमसे बता रहा है, गलती गलती है, तो हम तो गलती किए नहीं है। लेकिन कॉलेज का नाम था पारा, गुरुदेव पारा मेडिकल। 4 बार मांगे कि सर हमें भी बच्चा का आत्मिक शांति के लिए कुछ, हमें कार्य करने के लिए पैसा नहीं है सर, हमें कुछ दीजिए, निवेदन की। तो बोला कि अभी लिमिट पर बोलिए, एक बार लिमिट में बोलिए, लिमिट में बोलिए, ज़्यादा मत बोलिए, 4 बार बोले तो बस लिमिट में ही रहिए आप, लिमिट से मतलब मदद मांग रहे थे तो बोला कि लिमिट में बोलिए। जी जी ऐसा ही बोल रहे थे, तो हम फिर आखिरी अंत में मुँह चुप कर दिए, सब लोग बोला कि तो 2-4 बार भी बोले कि हमको चाहिए आर्थिक सहायता, जी जी हम बोले मदद चाहिए, मदद चाहिए, तो बोला कि लिमिट में रहिए। बहुत गरीब है, 4 बार मर के काम करते, क्या काम करते हैं आप? सीधा बिना काम करके बच्चा को पढ़ाते लिखाते थे, वो बच्चा छिना गया, वही उनसे मांग रहे थे मंत्री साहब से कि हमें मदद करने की। अच्छा, मंत्री है, ये मालूम है, मंत्री है अपने। जी जी वही मांग रहे थे मदद की, आप लोग के सामने हाथ जोड़ते सर कि मेरा बच्चा की आत्मक शांति करने के लिए कुछ पैसा से हमको जरूरत है। जी जी। तो बोले कि लिमिट भर रही है आप, लिमिट भर रही है, लिमिट को टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं, बहुत टेंशन में जिंदगी जी रहे, हमें लगता है कि हम भी मर जाएं जी अच्छा, लेकिन नहीं जी पास बेटी के लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। कोलकाता में एक मेडिकल की छात्रा के साथ में यौन शोषण होता है, उस मामले को पूरे देश में फैलाया जाता है, लेकिन दलित के साथ में जैसे ही घटना हुई उस मामले को प्रखंड स्तर तक भी लोग नहीं जानते। अब समझिए जरा सा कि दुर्भाग्य है इस देश में कि इस देश के दलित राष्ट्रपति हैं और दलितों के इतने सांसद विधायक मंत्री हैं, लेकिन यही बिहार प्रदेश में दलित की बेटी के साथ में इतनी बड़ी जघन्य अपराध किया गया, उनके साथ में यौन शोषण के भी मामले आ रहे हैं। समझिए जरा सा कि उस मामले को इस तरह से दबाया जा रहा है कि जिसका आप शायद अगर कल्पना भी करेंगे तो बहुत कम होगा। देखिए हम नायरा के घर पे हैं, मृतक नायरा के घर पे, और नायरा का दिखाते हैं, पहले आपको घर दिखाते हैं, देख लीजिए ये घर है, मृतक नायरा का घर है, और ये नायरा का देख लीजिए, गरीब परिवार से है, दलित समाज से आती है, मतलब चमार जाति से आती है, और देख लीजिए आपको मालूम होगा कि पूरे बिहार में दलित समाज की क्या स्थिति है, उनके घर परिवार की क्या स्थिति है, और एक उनके पास एक पूंजी होता है वो है पढ़ाई, वो पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगा, कोई उनका घर का बेटा हो या फिर बेटी हो, पढ़ाता इसलिए कि आगे आने वाले समय में हमारे घर का एक चिराग हो और चिराग उस नए जो है घर को रोशनी दे सके। तो देखिए रोशनी तो नहीं दे पाई, लेकिन उस कुछ दरिंदों के हाथों लग गई नायरा और उनकी हत्या किया गया। अब देखिए हत्या किया गया और लोगों का द्वारा कहा गया है, उस कॉलेज के द्वारा कहा गया है कि वह उन्होंने अपना आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम जानेंगे, उनकी माँ है अभी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। नायरा की माँ है आप? जी नायरा की माँ। अच्छा, आप कहाँ रहती थी? हम रहते थे सर, काम उम करते थे, इधर उधर झाड़ू पोछा मारते थे। कहाँ रहते थे? हिलसा में रहते थे। हिलसा में? जी। घटना तो पटना में हुई? घटना पटना में हुई, तो ही काम उम करते तैयो उसको पढ़ाते, तब पटने से फोन के जरिए हमको पता मिला, बोला कि से आपको नए कैसे मतलब घटना का क्या कुछ मालूम है? घटना कैसे जी, घटना क्या मालूम, पता कैसे चली? पता चली वहाँ के प्रिंसिपल हैं स्कूल का, वही डायरेक्ट हमें 10 बजे रात को फोन करके बोले हैं कि आप नायरा के पेरेंट्स बोल रहे हैं। बोले हम पेरेंट्स से बोल रहे हैं, बड़ी आपकी नायरा तो बहुत सीरियस है, आपकी नायरा पटना PMCH में भर्ती है, जितना हाल ही आने को कष्ट करिए। हमने बोला प्रिंसिपल को कि मेरी नायरा को तो आज तक कुछ हुआ नहीं है सर, सुबह में भी बात की थी, शाम में भी बात हुआ है, रात में भी बात हुआ था 8 बजे,
मेरी बेटी एक बैग ऐसे कैसे हो गई, तो नहीं सीरियस पूरा ज्यादा है, आप जितना हाली आने का कष्ट ही करिए, नहीं है तो भाड़ा देने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरीके से पूरा प्रेस दे के ही बुलाया गया था। तो उसमें बात हुई थी आपको नायरा से? नायरा से जिस दिन इजा की घटना है आपको सुने, उसमें पहले जी हाँ 8 बजे रात की बात हुई थी। अच्छा, बात हुई, घटना कब हुई, घटना की जानकारी कब मिली थी हमको? 10 बजे रात की मिली थी। 10 बजे रात में, और उसी दिन में 8 बजे आपसे बात हुई थी। तो मतलब 10 बजे रात में आपको पता चला, उसके बाद आप रात में गए थे? हमने रात में 12 बजे चले गए थे। 12 बजे चले गए जी, हमने गए थे, ये गई थी। किस स्थिति में मिला नायरा? मेरी नायरा को रात में मिलने दिया ही नहीं। नहीं मिलने दिया आपसे? नहीं मिलने दिया, बोला कि आपकी नायरा का पीएमसीएच में है, लेकिन आपकी बच्चा से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। जब भी मिलिएगा सुबह 10 बजे के बाद ही मिलना है। मैंने दो घंटा कह के ऐसे ही रुकेले था, हमको तो हाथ में हम थे ही ना, हमको खुद तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। उसी वक्त सुबह में देखे तो मेरा बच्चा को देह शरीर पूरा बलजोबरी गए देखने, तो मेरी बेटी का शरीर पूरा दम काठ बना हुआ है, शरीर पे हाथ ऐसे धरे ही लेटी हुई है, पैर उर में पूरा ब्लड वगैरह लगा हुआ है, और कुछ कह नहीं सकते। मेरे बच्चा के बोलने लायक है नहीं कि हम बोल के भी हम कुछ कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे बच्चा को बेरहमी तरीका से मार भी लगा, मारे के कारण तो ऐसे हुआ है। अच्छा। अपने से आत्महत्या करने के लिए इच्छुक नहीं थी, बोली कि हम पढ़ के कुछ बनेंगे मम्मी, दुख करिए तो सुख हम ही आपको देंगे, लेकिन मेरी बेटी सुख न दे पाई, खुद अपने दुनिया से चली गई। कितना बेटी बेटी है, बेटा बेटी है? मेरे 2 बेटी है, एक बेटा है, जिसमें एक बेटी छोटी वाली डेट हो गई, एक बेटी बचती है। अच्छा, तो छोटी थी नायरा? मेरी बेटी छोटी थी। एक बड़ी 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 बेटी भी है? जी बड़ी बेटी, बड़ी ही बेटी, हाँ एक बेटा ये। अच्छा। और 1 महीना पहले सर झगड़ा भी हुआ था स्कूल में, वही लड़का के लिए आवाज उठाई, लड़का के लिए आवाज उठाई, चलिए बताइए, कंटिन्यू बताइए। लड़का के लिए आवाज उठाई तो बोला कि चमार जाति से हो, चमार का यहाँ मुराद नहीं चलता, हम लोग बढ़िया बढ़िया के तो बूझते नहीं, आ तुम कौन सा गली में? कौन बोला? ये प्रिंसिपल बोला, हमसे ही बोला ये बात, बुला कर बताया। तो मेरी बेटी एप्लीकेशन लिख कर गई, मम्मी थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा हमसे बता रहा है, गलती गलती है, तो हम तो गलती किए नहीं है, लेकिन क्या कॉलेज का नाम था? गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज था, इसी गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज पटना का। जी जी, राजेंद्र नगर के बगल केला मंडी के बाद में। अच्छा, तो क्या लगता है उस नायरा के बॉडी की जब आपको मिला, तो नायरा के बॉडी में आपने क्या देखा, कुछ ऐसा उनके साथ में गलत हुई? जी गलत पूरा हुई है। गलत हुआ है? जी हुआ है गलत। चलिए, तो पहले देखिए कोलकाता की जो घटना थी, मेडिकल छात्रा के साथ में जो घटना हुई, उस घटना में भी कहा गया कि लड़की के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़की को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पूरे तरीके से जांच पड़ताल हुई तो मामले यहां तक आई कि उनके साथ में यौन शोषण किया गया, उनके साथ में बलात्कार हुई। तो अब समझ लीजिए कि साफ तौर पे नायरा की माँ कह रही है कि उनके साथ में गलत हुआ, जबकि रात में खबर देने के बाद उस वो नायरा को, नायरा के बॉडी से इनको मिलने नहीं दिया गया, नायरा से मिलने नहीं दिया गया कि इनकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। लेकिन उनके पिताजी भी अभी हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे क्या इस मामले के बारे में क्या क्या जानकारी है आपको। सर हमको है जो 10:50 में है जो नीतीश कुमार सिंह राजपूत जी हैं, जो कॉलेज का प्रिंसिपल या जो भी संचालक हो, उसने हमें कॉल किया और बोला कि आप नायरा के कौन है, पेरेंट्स बोल रहे हैं क्या? मैं बोले कि हाँ मैं उसका फादर हूँ। तो बोले कि आपकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, और तो वो है जो जाकर के आपको पटना में PMC में एडमिट किया गया है। उसने है जो, फिर भी हम लोग बोले कि ऐसी तो बात नहीं है, आज सुबह में बात हुई, मैं अपनी पत्नी से बात किया तो बोला, बाबू से भी बात किया, नायरा से भी बात हुआ, शाम को भी बात हुआ, और संडे को दिन 8 तारीख को भी स्कूल या कॉलेज में कोई फंक्शन था, उसमें भी गया, भाग लिया है, वहाँ का फ़ोटो भी शूट किया है, और माँ को पास में शेयर भी किया, उस फोटो मेरे पास में भी शेयर उसकी माँ की, और उसको बाद में है मतलब जो उस समय तक सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा, कोई तरह का दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसके पास में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, पैसे कौड़ी की भी दिक्कत है, उसको पॉकेट मनी की भी दिक्कत नहीं थी, उसके पास में सारी चीज़ व्यवस्था था। लेकिन अचानक 10:50 में है जो नीतीश कुमार सिंह का है, डायरेक्ट कॉल आया रात में कि आपकी बेटी की स्थिति ठीक नहीं है और सबसे ज़्यादा ख़राब है। मैं बोला ऐसा क्या हो गया, तो बोला कि आपको बेटी है जो खुद है जो पंखे से लटकी हुई है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ, आत्महत्या कर लिया, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं कॉलेज वाला दे रहा है कि आपको बच्ची का
यह जो आत्महत्या किया है या फोटो या वीडियो सीसीटीवी कैमरा होंगे ना, सीसीटीवी कैमरा है लेकिन है जो उसका भी कोई विवरण नहीं दे रहा, प्लस यहाँ तकला प्रशासन भी है जो इसकी एक्शन नहीं लिया गया, केस करने गया तो 2 से 2.5 घंटा तकला बैठाया गया है, तब जा करके है जो केस फाइल हुआ है और उसके बाद में है जो हम लोग पूछे उसको तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, आज तक लगे प्रशासन भी है जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, उसका कोई एक्शन नहीं लगा। बताइए नायरा के रूम में कुछ ऐसे आपको सामान मिला, कुछ ऐसी चीजें नशीली पदार्थ ऐसा कुछ? ऐसा तो आज तक ला मेरे बच्ची है, जहाँ तक ला थोड़ा बहुत है जो मैं भी ड्रिंक कर लेता था, जहाँ तक ला वो मेरे बच्ची समझाती थी कि आप है जो ब्लड शुगर कब है जो पेशेंट है आपका सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, पापा ये सब क्यों करते हैं, जहाँ तक तम्बाकुल खाता हूँ उसके लिए वो मना करती है, और वो खुद के है जो कहता है कि प्रिंसिपल और प्रशासन कहता है कि उसको रूम में है जो शराब का बोतल प्लस है जो सिगरेट का पैकेट मिला, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि आज तक मेरे बच्ची है जो धूम्रपान प्लस शराब का है जो पीना दाना। तो आपको क्या लगता है कि वो आत्महत्या की है या फिर नहीं, हत्या किया गया है मेरे बच्ची के साथ में, हत्या किया गया, आत्महत्या नहीं है, अगर आत्महत्या करते हैं तो उसको कोई तरह का रीजन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। बॉडी को देखा? नहीं जी, बॉडी को देखे तो सब तरह से एकदम पूर्ण रूप से उसकी अलग व्यवहार था, आत्महत्या का बॉडी का रूप नहीं है। उसके साथ में गलत तो नहीं किया गया? ये तो है जो सबसे ज्यादा है तो मेडिकल ही बता सकता है, लेकिन लक्षण है कि उसके साथ मेडिकल का रिपोर्ट मिला अभी नहीं मिला है, मेडिकल रिपोर्ट हम लोग का अभी नहीं मिला, लेकिन लक्षण है कि उसके साथ में गलत ही हुआ होगा, गलत हुआ होगा, शंका है, शंका है मेरे पास में। चलिए तो समझिए जरा सा कि नायरा एक ऐसी लड़की थी जो घर को पढ़ाई लिखाई करके और कुछ बन के बताना चाहती थी कि घर का एक चिराग बनना चाहती थी, लेकिन उस नायरा को कैसे हत्या कर दिया गया इनके पिता ने कहा, और इनके इनकी आशंका है कि उनके साथ में गलत भी किया गया है, अगर इसकी सही मायने में जांच हो तो वो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। लेकिन देखिए वहाँ कोई नेता विधायक को मिलने के लिए आप लोग से? जी आया था मिलने। कौन मिलने आया था? जनक चमार आया था। जनक चमार जी, जनक चमार आफी के जाति का है, चमारी है, वो बताया कि हम आफी को जाति का है। खुद जनक चमार बता रहे थे? बता रहा था। अच्छा, कोई सहायता वहायता किए? कोई सहायता नहीं किए, हमने मांगा 2 बार नहीं 4 बार मांगे कि सर हमें भी बच्चा का आत्मिक शांति के लिए कुछ, हमें कार्य करने के लिए पैसा नहीं है सर, हमें कुछ दीजिए, निवेदन किए, बोला मुँह से बोल दिया आपके पैसा देना है, हम मुँह से ही मांगे सहायता, आर्थिक सहायता कुछ कीजिए, कीजिए मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो उसने बोला कि अभी लिमिट पर बोलिए, एक बार लिमिट में बोलिए, लिमिट में बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, चारों बार बोले तो बस लिमिट में ही रहिए आप, लिमिट मतलब मदद मांग रहे थे तो बोला कि लिमिट में बोलिए। जी जी हाँ सही बोल रहे थे, तो हम फिर आखिरी अंत में मुंह चुप कर लिए, सब लोग बोला कि तो 2-4 बार भी बोले कि हमको चाहिए आर्थिक सहायता, जी जी हम बोले मदद चाहिए, तो बोला कि लिमिट में रहिए। अच्छा, तो मतलब आर्थिक मतलब आप घर की परिस्थिति खराब है? बहुत, मेरा दैनिक है सर, बहुत गरीब है, झाड़ू बाड़ू मार के काम करते उड़ते। क्या काम करते हैं आप लोग? इसी दाय वाला काम करके बच्चा को पढ़ाते लिखाते थे, वो बच्चा छिना गया, वही उनसे मांग रहे थे मंत्री साहब से कि हमें मदद करने के। अच्छा, मंत्री है, ये भी मालूम है, मंत्री है अपने। जी जी वही मांग रहे थे मदद की, आप लोग के सामने हाथ जोड़ते सर कि मेरा बच्चा की आत्मिक शांति करने के लिए कुछ पैसा से हमको जरूरत है। जी जी, तो बोले कि लिमिट भर रही है आप, लिमिट भर रही है, लिमिट में चारों बार लिमिट ही बताए वो, ऐसा मतलब लिमिट में रहिए, लिमिट में रहिए। 3 बार लिमिट लिमिट बोला, चौथा बार उठ के चला गया। अच्छा, कुछ नहीं फिर बोला, कुछ मिला ही नहीं, तो मतलब कोई अभी तक कोई विधायक सांसद कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं किया, यहाँ मुखिया तक संस्कार करने के लिए आप लोग के पास पैसे नहीं है? कुछ नहीं है सर, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, हम लोग तो टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं सर, बहुत टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं, हमें लगता है कि हम भी मर जाए जी अच्छा, लेकिन नहीं जी पास बेटी के लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, हमें खुद भी हालत में हम थे इधर, हम लोग बोला है शांति थोड़ा रहिए तो मन अच्छा लगेगा, मन को पत्थर बना के बैठे रहते हैं सर, लेकिन ना हमको यहाँ गांव का मुखिया काम मदद किया है ना, और मैंने कहीं कभी नहीं, खाली बात करके आता है जाता, लेकिन कोई मदद कोई नहीं, मदद नहीं करता, कोई नहीं मदद करता, मुंह से मांगते तो पर भी नहीं कोई मदद करता। चलिए तो देखिए आप साफ तौर पर समझिए कि एक पीड़ित परिवार मृतक की जो माँ है वो गुहार लगा रही है, मतलब लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं किया, यहाँ तक कि बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक चमार, SC ST कल्याण मंत्री हैं, उनसे इन्होंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो शायद आपने जो सुना है मृतक की माँ से, वो आपके आँख और आपके मन को उग्र कर दिया होगा,
और सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि कोई बिहार सरकार के मंत्री जो सत्ता में है, जो उस समाज से आता हो, उसके उसके इस जुबान से इस तरह की बोली बोला गया। क्या लगता है आपको कि ऐसे लोग समाज के लिए करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, न्याय न्याय दिलवाएंगे? जब उनको कुछ भी होता हो, आर्थिक सहयोग जो लोग आते हैं मिलने के लिए, कुछ ना कुछ अपने तरफ से किया जाता है, लेकिन उन्होंने लिमिट में रहने की बात कही, तो लिमिट कैसा लिमिट कर रहे हैं मंत्री जी? लिमिट कौन सा लिमिट की बात कर रहे हैं आप? अब उस समाज से आते हैं, उस समाज का वोट लिए हैं आप, उस समाज से वोट लेकर मंत्री विधायक बने हैं आप बिहार सरकार में मंत्री बने, सांसद बने, आप उस समाज को कह रहे कि लिमिट में रहिए, उस समाज को आप मदद नहीं कर सकते? अरे मदद नहीं कर सकते तो इस तरह का लहजा मत बताइए, और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आप इस परिवार के से मिलने के लिए आ गए और फॉर्मेलिटी निभा के चले गए। फोटो खिंचवाना अगर आपकी आदत है, आपके नेता की आदत है, तो बताइए इस तरह का परिवार को न्याय दिलाएंगे? इस तरह के SC ST कल्याण विभाग आपके जो है, उस विभाग से लोगों का कल्याण करेंगे? बताइए, एक परिवार खुल के कह रहा है कि मुझे आर्थिक जरूरत है, जो परिवार खुल के कहता हो, बिना मांगे हुए लोग आते हैं तो देते हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, लेकिन बताइए परिवार खुल के कह रहा हो और आपने लिमिट में रहने की बात कही। तो देख लीजिए, हम नायरा के घर पे थे, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब दलित समाज के लोग बेटी को पढ़ाए या फिर बचाए, एक बड़ा सवाल है कि आखिर पढ़ा तो लेता लेकिन बचाए किन किन लोगों से? दलित समाज की जो बेटी है वो किन किन लोगों से बचे, क्योंकि उनके परिवार की स्थिति दिशा और दशा क्या होती है पूरे देश में आपने दलितों की देखा, लेकिन अब देख लीजिए यही बिहार में, जिससे बिहार में कहा जाता है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, लेकिन सुरक्षा के व्यवस्था के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दलितों पर दमन करना अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन उसका शिकार अभी नायरा हो गई। और नायरा को देख लीजिए, नायरा की खूबसूरती इतनी सुंदर थी, आज उस सुंदरता और उनकी काबिलियत उस संचालक को, उस गुरुदेव पारा मेडिकल के कॉलेज के जो वहाँ के अधिकारी थे, वहाँ के जो शिक्षक थे, उनको नगवार गुजरा, कहीं ना कहीं दलित की बेटी पढ़ के कहीं डॉक्टर ना बन जाए, बड़े अधिकारी ना बन जाए, कहीं अच्छे जगह पे जाके अपने समाज की भलाई ना कर सके, क्योंकि नायरा के बारे में ये भी बताया गया कि नायरा पढ़ने में बहुत होनहार लड़की थी, वो किसी के साथ में गलत होता था उस कॉलेज में तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी, वो नगवार गुजरा। उन्होंने साफ तौर पर, इनकी माँ का आरोप है कि उनकी माँ ने कहा कि उनके जो वहाँ पे शिक्षक थे वो, उन्होंने कहा कि चमार की बेटी हो और इस तरह से तुम बोलोगी, इस तरह से तुम आवाज़ उठाओगी, ये नहीं चलेगा यहाँ, ये राजपूत का ये कॉलेज है और यहाँ ये सब नहीं चलता है, यहाँ के शासन या प्रशासन से कि हम चाहेंगे कि इस मामले को सख्ती से जितना जल्दी हो सके इसकी जाँच किया जाए, अन्यथा ये भी जो न्याय मिलने वाला हो वो बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरह से अभी बता दे, कोलकाता में घटना हुई मेडिकल की छात्रा के साथ में, पहले बताया गया कि आत्महत्या कर ली, दूसरे उसके बाद जब लोगों ने इसको तूल दिया, उसके बाद जांच हुई तो जांच के बाद पता चला उसके साथ में यौन शोषण किया गया, उनके साथ में बलात्कार हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि नायरा के साथ में इस तरह की घटना हो सकती है, जैसा इनके परिजन बता रहे थे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।